जय हिंद स्टूडेंट्स आजकल आप लोगों के लिए यह चिंता का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है कि आखिर हमारे पेटीएम को क्या हुआ क्योंकि पेटीएम अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन का नाम पेटीएम बन चुका था जैसे कई बार लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी का रेफरेंस देना होता है अमीरी में और बहुत ही अगर एलीट क्लास तो लोग बोल देते हैं टाटा बिरला इसी प्रकार अगर किसी भी तरीके से लोगों को इन जनरल कोई महंगी गाड़ी का नाम लेना होता है तो वो किसी गाड़ी मॉडल का नाम नहीं लेते हैं। सिंपल बोल देते यार ये तो मर्सिडीज की बात कर रहा है या मर्सिडीज में घूम रहा है क्या मर्सिडीज ले लो ठीक है पर ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन या किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जैसे ही आगमन हुआ वैसे ही पेटीएम सभी फिनटेक से इतना आगे निकल चुका था कि सभी की जुबान पर सिर्फ पेटीएम था आज के समय में अगर हम देखते हैं तो अगर हम किसी से ट्रांजेक्शन की भी कोई बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वैसे तो हमारे पास यहां पर डिजिटल के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है बट अधिकतर लोग सिर्फ पेटीएम का ही नाम इस्तेमाल करते हैं किसी को पैसे भेजने हैं इधर से उधर लोग कहते हैं यार मैं तुझे पेटीएम कर दूंगा ठीक है कई बार आपने देखा होगा कि इवन दो गूगल पे फोन पे बहुत एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल हैं पर पेटीएम एक ऐसा नाम है जो हर व्यक्ति के जुबान से जुड़ गया था और डीमोनेटाइजेशन जब करेंसी का हुआ तो उसके बाद से तो पेटीएम छा चुका था पर क्या ये जो रीसेंट आरबीआई का ऑर्डर आया है जिसने

धीरे धीरे आपका जो कंप्लीट डिपेंडेंस है वो पेटीएम पर हो चुका था दुकानों पर जाते थे पैसे ट्रांसफर करते थे वहां पर भी पेटीएम का ही साउंड बॉक्स आपको 90 परसेंट जगहों पर रखा हुआ दिखता था अब लोगों को यह लगने लगा है कि ये जो पेटीएम है यह शायद रातों रात अब खत्म हो चुका है पेटीएम शायद कोई बहुत बड़ा यहां पर ऐसा भूचाल आया या घोटाला हुआ कि पेटीएम खत्म हो गया और इसी के बीच में लोगों को काफी मिथ भी पेटीएम के बारे में बन चुके हैं तो चलिए आज के इस सेशन में मैं आपको आरबीआई का जो रिसेंट ऑर्डर आया है पेटीएम के ऊपर उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों की जो भ्रांतियां हैं उन्हें भी दूर करूंगा अब सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली आरबीआई ने क्या कहा तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है इसके ऊपर हर प्रकार से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है तो पहली बात तो आप अपने मन में समझ लीजिए कि पेटीएम के ऊपर रोकने लगी है पेटीएम का ही एक एक्सटेंशन एक या पेटीएम का ही एक कंपोनेंट है पेटीएम

ठीक अब क्या ये कदम आरबीआई ने एकदम उठा लिया एकाएक उठा लिया या और आरबीआई ने इन्हें सोचने का समय नहीं दिया तो आप देखेंगे कि आरबीआई ने 10 मार्च 2022 को डायरेक्ट किया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कि आप अब नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे उसका उन्होंने कारण दिया कि परसिस्टेंट जो नॉन कंप्लायसेस इश्यूज़ हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स के द्वारा दिखाए गए हैं इसके साथ साथ ये जो एक्शन है ये सेक्शन 35 ए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का उसके अंतर्गत पेटीएम पर लिया गया तो कई बार तो लोग कहते हैं कि हाँ हम तो सर एक साल से कोशिश कर रहे थे पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हम लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस के फॉर्म में नए कस्टमर्स के ऑनबोर्डिंग के फॉर्म में काफी पहले से शुरू हो गई थी पर अब इसके ऊपर एक कंप्लीट बैन लगा दिया गया है अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या पेटीएम ऐप वॉलेट यूपीआई फरवरी के बाद काम भी करेंगी या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में उठ चुका है तो यहां पर एक एक करके इन सभी चीजों को जानते हैं पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट विल हैपन पेमेंट्स और यूपीआई फैसिलिटीज पोस्ट 29 फरवरी तो आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो कोई सर्विस नहीं देगा ठीक है जैसे फंड ट्रांसफर बिल पेमेंट्स, यूपीआई ऐसी फैसिलिटीज तो आपको अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो यहां पर पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है दो अलग अलग चीजें हैं अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे आपके पास बाकी बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके अलावा केनरा बैंक है एच बैंक है ऐसे ही अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा उनतीस फरवरी से पेटीएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी मतलब आप पेटीएम अकाउंट अगर आपका किसी दूसरे बैंक का आ, से लिंक्ड है ठीक है आप उसके यूपीआई और सभी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक इट मीन्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूजर्स वॉन्ट बी एबल टू मेक एनी मनी ट्रांसफर बिल पेमेंट्स और यूपीआई ट्रांजेक्शन थ्रू पेटीएम बैंक आफ्टर दी स्पेसिफाइड डेट क्लियर तो उनतीस फरवरी के बाद आप ऐसा कुछ भी किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी हुई होगी ओके okay? अगला सवाल फ्टर ये पेटीएम ऐप चलती रहेगी पेटीएम ऐप से आप जो काम करते थे आप दूसरे बैंक से एसोसिएटेड है कोई भी कोलॉबरेटेड बैंक जो है उसकी यूपीआई uh, इस्तेमाल कर रहे हैं पेटीएम प्लेटफॉर्म पर वो आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगली बात आती है कैन यू यूज पेटीएम वॉलेट आफ्टर फेब्री ट्वेंटी नाइन क्लियर तो पेटीएम वॉलेट बैलेंसेज कैन बी टॉप्डअप एंड ट्रांसफर्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इवन आफ्टर फेब्री ट्वेंटी नाइन हाउ एवर

तो अगर आपका यूपीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा हुआ है तो बंद हो जाएगा इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे बैंक के यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं Paytm, आ, के थ्रू आप कर सकते हैं। okay. अगला क्या फास्टैग काम करेगा यह एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अधिकतर गाड़ियों पे फास्टैग ही था पेटीएम ने अपने जवाब में कहा कि हमारे पास 100 मिलियन से ज्यादा के वेरीफाइड कस्टमर्स हैं इसके साथ साथ पेटीएम ने

ओके okay, तो आपको ध्यान से देख लीजिए अगर आपका फास्टैग प्रोमिनेंट जानकारियां थी यहां पर पेटीएम के ऊपर जो आरबीआई का ऑर्डर आया है ध्यान दीजिए कि ये जो पेटीएम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाई गई है मुझे तो उम्मीद है कि इनका कोई ना कोई मिडवे निकाला जाएगा क्योंकि काफी यूजर्स जो है वो

बंद किया जा रहा है ठीक तो आई होप आपके अधिकतर जो वो हुए होंगे, ठीक है? अभी भी अगर कोई डाउट बसता है तो प्लीज मुझे इस वीडियो के में बताइए एस एस बी इंटरव्यूज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़िए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसे एक next level पर लेकर जाइए so, we'll Keep imbibing. We believe in you.